हेलो दोस्तों, आरुष लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि नवजात शिशु की मालिश हम कैसे करें और क्या स्टेप टू स्टेप टेक्निक होती हैं बेबी मसाज के लिए जो हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो सबसे पहले जब बेबी जन्म लेता है तो जो नई नई मदर्स होती हैं उनके मन में यही क्वेश्चन होता है कि हम बेबी की मालिश कैसे करें और कौन से टाइम पर करें, हमें कैसे करनी चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेडी फॉर मसाज, सबसे पहले हमें अपने बच्चे को मसाज के लिए रेडी करना चाहिए और तैयार करने से पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मालिश करने के आधा घंटा पहले और बाद में हमें बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूध पिलाने के तुरंत बाद अगर बच्चे की मसाज करेंगे तो बच्चा वॉमिटिंग भी कर सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे अच्छा टाइम वही होता है जब बच्चा पूरी तरह रेस्ट कर चुका हो। अगर बच्चे को नींद आ रही है और उस टाइम में हम मालिश करेंगे तो बच्चा रोएगा, परेशान करेगा, मालिश नहीं करने देगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा अच्छी तरह से अपनी नींद पूरी कर चुका हो, उसके बाद ही हमें मसाज शुरू करनी चाहिए। तो मसाज करने से पहले सबसे पहले हथेली पर थोड़ा सा तेल लेंगे और बच्चे के कान के पीछे और पेट पर लगा के देखेंगे। अगर बच्चा परेशान होता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि अभी हमारा बच्चा मसाज के लिए रेडी नहीं है, तो थोड़ी देर रुक के हमें ट्राई करना चाहिए। अगर हमारा बच्चा परेशान नहीं होता है तो हमें मालिश शुरुआत कर देनी चाहिए। सबसे पहले मालिश हमें पैरों के साइड से शुरू करनी चाहिए। और मालिश करने से पहले ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम बच्चे के कपड़े एक साथ पूरे उतार दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम पैरों की मालिश से शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले हमें पैरों में जो बच्चा कपड़ा पहना है, नेकर या पजामी, वह पहले उतारनी चाहिए। एक एक करके कपड़े उतारें। और मालिश करने से पहले हमें रूम टेम्परेचर का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर सर्दियों का मौसम है उस टाइम अगर हम बच्चे के एक कपड़े एक साथ निकाल देंगे तो बच्चे को जल्दी सर्दी लगने का खतरा हो जाएगा। तो हमें टेम्परेचर भी मेंटेन करना चाहिए, उसके बाद ही हमें मालिश शुरू करनी चाहिए। तो पैरों से शुरुआत करेंगे। जो भी हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कोई सा भी ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं, नारियल तेल, जैतून का तेल या जो भी तेल जो बच्चे के लिए सूटेबल हो, उस तेल को हथेली पे थोड़ा सा लेंगे और पैरों के तलवों से शुरुआत करेंगे। तलवे जो सोल होते हैं उस पर हम हल्के हल्के हाथ से मालिश करेंगे, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और हम उस पर अगर ज़्यादा प्रेशर से मसाज करेंगे तो बच्चे को हार्म होगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में हमें हल्के हल्के हाथ, सॉफ्ट हैंड से हमें बच्चे को मसाज देनी है। पैरों की मालिश होने के बाद हम हाथों की मालिश करेंगे। हाथों की जो हथेलियाँ होती हैं उन पर हल्का हल्का तेल लगाकर हम बच्चे को मसाज देंगे, उसके बाद कोहनी और बाहें तक ले जाएंगे उस मसाज को करते करते। शुरुआत में हमें कम टाइम के लिए मालिश करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता है जो शुरुआत में जो बच्चा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा, न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रही हूँ मैं, जब वो अगर हम उसको ज़्यादा टाइम के लिए मसाज करेंगे तो वो परेशान भी होगा और मालिश नहीं करने देगा। तो हमें स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए मालिश करनी चाहिए, फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद हमें अपना जो मसाज टाइम है वह हमें बढ़ा देना चाहिए। उसके बाद हम सीने और कंधे पर मालिश करेंगे। बाएँ से मसाज करते हुए हम कंधे पर ले जाएंगे, उसके बाद बच्चे के सीने पर तेल लगाकर मालिश करेंगे। फिर उसके बाद पेट की मसाज करेंगे। पेट की मसाज के टाइम में हमें ये ध्यान रखना है कि पेट को हमें ज़्यादा प्रेशर से मसाज नहीं करनी है, क्योंकि अगर बच्चे ने कुछ भी खाया हो, मतलब खाता तो नहीं है, न्यूबॉर्न बेबी पीता ही है दूध माँ का या जो फॉर्मूला मिल्क होता है, वह बच्चा उल्टी कर देगा, वॉमिटिंग कर देगा। तो हमें हल्के हाथ से पेट पर गोल गोल हाथ फिराकर हमें मसाज करनी चाहिए। बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। पेट में अगर कोई तकलीफ़ होती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो या हल्का फुल्का दर्द हो, वो मसाज से ठीक हो जाता है। उसके बाद हम सिर और चेहरे की मसाज करेंगे। सिर पर बच्चे के जो बाल है उसमें हम हल्के हल्के हाथों से उंगलियां फंसा के तेलों में ढंग से मसाज करेंगे, क्योंकि बच्चे के जो सिर होता है उस पर डैंड्रफ यानी रूसी होने का खतरा बढ़ जाता है। उससे क्या है, क्रेडल कैप की समस्या हो जाती है, जैसे पपड़ी जमा होना शुरू हो जाती है। अगर ज़्यादा टाइम तक कपड़ी जमा रहती है तो उस पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें सिर की भी अच्छे से मालिश करनी चाहिए और फिर चेहरे की मालिश करनी चाहिए। और हमें कान के पीछे भी अच्छी तरह तेल लगाना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो कान के पीछे का पोर्शन होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो बहुत जल्दी कान कटना शुरू हो जाते हैं या गलना शुरू हो जाते हैं। तो हमें कान के पीछे तेल ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद हम बच्चे को अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसको उल्टा बिल्कुल एकदम से नहीं लटाएंगे, करवट लेके एक साइड करवट कर दी तो पीठ पर मालिश करेंगे, फिर दूसरी साइड उसको करवट से
लेटा दिया तो हम दूसरी साइड पीठ के हल्के हल्के हाथों से मालिश करेंगे। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि शुरुआत में हम मालिश हम पैरों से करेंगे और पैरों से करते करते लास्ट हमारी पीठ पर होगी। जब बच्चा 2-3 महीने का होता है तो वह पलटना शुरू कर देता है तो हम पेट के बल लटाकर भी बच्चे की पीठ की मालिश आराम से कर सकते हैं। पीठ की मालिश के करते टाइम हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे का जो मुंह है वो बिल्कुल जैसे अगर हम जिस चीज़ पर कर रहे हैं सरफेस से टच नहीं होना चाहिए, बच्चे का मुंह साइड से कर देना चाहिए ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। इम्पॉर्टेंट टिप्स, क्या क्या टिप्स हैं जो हम बच्चे की मालिश के टाइम हमें ध्यान में रखनी चाहिए? तो मालिश करने से पहले बच्चे के जो नीचे जो हम तौलिया या कोई कपड़ा यूज़ कर रहे हैं उसको वह कपड़ा साफ़ होना चाहिए और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि यह तेल एक कपड़ा हमने अलग कर लिया, ये तो तेल का चिकना हो ही गया तो डेली उसी कपड़े को हम यूज़ कर सकें, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है रोज़ाना उस पर धूल मिट्टी जमा होती है तो बच्चे को इन्फेक्शन लगने का खतरा बढ़ सकता है। तो उस कपड़े को डेली हमें साफ़ करना है और धूप में सुखाएं ताकि वह कपड़ा सही हो जाए, बच्चे के लिए इन्फेक्शन वाला ना बने। और रूम टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वह भी बच्चे के लिए ठीक नहीं है, या ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा है और हम एकदम से सारे कपड़े उतार कर मालिश करना शुरू कर देंगे तो बच्चे को सर्दी भी लग सकती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि रूम टेम्परेचर को हमें मेंटेन करके ही मालिश करनी चाहिए। और मसाज ऑयल जो हमारे बच्चे के लिए ठीक हो, सूटेबल हो, वही मसाज ऑयल हमें यूज़ करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले हमें उस प्रोडक्ट को बच्चे पर थोड़ा सा अप्लाई करके 1 या 2 दिन उसके रिएक्शन देखने चाहिए। अगर बच्चे को उससे एलर्जी है तो 1 या 2 दिन में वो दिखना शुरू हो जाएगी तो उस चीज़ को तुरंत बंद कर कर दूसरा प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे ही हमें मसाज ऑयल भी बच्चे के लिए जो सूटेबल हो वही हमें यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम वीडियो लाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।